HDFC मिलेनिया कार्ड में जो कुछ भी चेंजेस आए वो इसी महीने यानी 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। ये चेंजेस क्या हैं वो अब आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके लिए हम आपको सब कुछ कंपेयर करके बता देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो। पहले क्या मिलता था और अब क्या मिलेगा इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसमें पहले होता ये था कि अगर आप मिनिमम ट्रांजेक्शन 2000 तक की स्मार्ट बाय और पेज ऐप से करते थे तो आपको 5% का कैशबैक मिलता था। पर इसमें भी क्राइटेरिया था कि मैक्सिमम एक मंथ में एक ही बार 1000 रुपये तक का कैशबैक आप ले सकते थे और उसके बाद भी ऐसा होता था कि फर्स्ट 6 मंथ्स में 1000 रुपये का मिलता था और उसके बाद 750 और 750 करके आपको ये कैशबैक मिलता था। पर अब इसमें चेंजेस क्या हुए ये देखिए, ये HDFC की ही साइट पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अब आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, जैसे पहले था कि 2000 का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ही आपको कैशबैक मिलेगा। नो, अब आप इन साइट्स पर 10 रुपये भी अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, वुमेन्स का ऑल टाइम फेवरेट शॉपिंग ऐप मिंत्रा हो, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर आपको ये कैशबैक मिलने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे चेंजेस की। पहले इसमें था कि फ्यूल के लिए आपको 750 का कैशबैक मिलता था अगर आप 1000 रुपये फ्यूल के लिए स्पेंड करते थे तो, लेकिन अब 750 के कैशबैक को हटा करके 1000 रुपये कर दिया गया है और मिनिमम ट्रांजेक्शन जैसी कोई भी शर्त यहाँ पर नहीं रखी गई है। पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर आपको 2.5% का कैशबैक मिलता था जिसमें आपको 2000 पहले स्पेंड करने पड़ते थे फिर 750 का कैशबैक आता था, लेकिन अब उसे भी 5% के कैशबैक में मर्ज कर दिया गया है। तो ये हमारे हिसाब से तो अब तक के बेस्ट चेंजेस हुए हैं, मतलब बहुत फायदा मिलेगा कार्ड यूज करने वालों को मिलने वाला है। तीसरा चेंजेस ये था कि कैशबैक पॉइंट की ये जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक की होती थी, यानी 1 साल के अंदर कैशबैक आपने यूज नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा, 1 साल बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। पर अब इस टाइम लिमिट को बढ़ा करके 2 साल कर दिया गया है, यानी 2 साल तक आराम से कैशबैक इकट्ठा करो और वक्त आने पर इसको रिडीम करो। चौथा चेंजेस आया है माइलस्टोन फैसिलिटी पर, जिसमें पहला ये था कि 1 लाख स्पेंड अगर आप करते हैं 1 कैलेंडर क्वार्टर में तो फर्स्ट ईयर आपको लॉन्च ऑफर में 1000 तक का गिफ्ट वाउचर मिलता था, जो कि अब पूरे साल के कैलेंडर क्वार्टर पर आपको मिलने वाला है, यानी आप पूरे साल में कभी भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पांचवा चेंज रिवॉर्ड रिडेम्पशन को लेकर आया है, जिसमें कि पहले आप 2500 पॉइंट होने के बाद ही आप पॉइंट्स रिडीम करा सकते थे, लेकिन अब अगर आपके पास 500 रिवॉर्ड पॉइंट भी हैं तो आप इसे रिडीम करा सकते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि मान लो बहुत मेहनत करके आपने 2400 पॉइंट इकट्ठा कर लिए, अब जब तक 2500 ये नहीं होंगे तब तक पॉइंट्स भी रिडीम नहीं होंगे, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक पॉइंट्स का काउंट जो है वो आगे बढ़ता था तब तक रिडीम की डेट आगे निकल जाती थी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर 500 भी हैं तो फटाफट रिडीम कीजिए और यूज़ कीजिए, और अब पॉइंट्स रिडीम करने की टाइम ड्यूरेशन भी 2 साल कर दी गई है। और बाकी सब वही है जो पहले थे, जो चेंजेस थे वो हमने आपको बता दिए। अक्टूबर में जो चेंजेस ये कार्ड लेकर आया है अब तक के बेस्ट चेंजेस हम कह सकते हैं ये हैं। 10% कैशबैक मिल रहा है, रिडीम करने के लिए पॉइंट्स मिल रहे हैं, ऊपर से टाइम पीरियड आपका बढ़ा दिया गया है, तो मस्त मौज है मिलेनिया वालों के। वैसे तो जो चेंजेस हुए वो हमने आपको बता दिए, पर अगर आप खुद जानना चाह रहे हैं और भी ज़्यादा तो आप HDFC की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। करते रहिए क्रेडिट कार्ड यूज़, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।